अदनान से मैं आपका स्वागत है, मैं आपका अदनान खान और आज फिर से एक नए आफ्टर इफेक्ट्स के ट्यूटोरियल के साथ वापस लौटा हूँ। तो आज हम कुछ ऐसा बनाने वाले हैं। आपने देखा कि ये जो हमने विजुअल से भी बनाया है वो कितना कूल लग रहा है। इसमें मैं से हाथ की मूवमेंट दे रहा हूँ, कुछ एनर्जी आ रही और मैंने कैमरे को रिलीज किया, यानी उसकी तरफ अटैक किया कैमरे की तरह, बस इतना किया। एक्चुअली में ये मूवी से इंस्पायर्ड है, इसका नाम एवेंजर्स है और ये स्कारलेट विच की सुपर पावर है, तो इसी से इंस्पायर्ड है जिसमें मैं ऐसे हाथ की मूवमेंट दी है और ऐसी कुछ एनर्जी आ रही है, उसे कैमरे को रिलीज़ किया। तो स्कारलेट विच का भी इफेक्ट सही है और इसके विजुअल इफेक्ट्स बनाने के लिए आपको एक थर्ड पार्टी प्लगइन की यूज़ करना पड़ेगा जिसका नाम है ट्रैप कोड पर्टिकुलर, जिसको आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। तो आपको उसका यूज़ करना पड़ेगा, तो आप उसकी वेबसाइट से इसको डाउनलोड कर सकते हैं, इसको खरीद सकते हैं, परचेज कर सकते हैं। तो अब बिना किसी टाइम गवाए ट्यूटोरियल जंप करना चाहिए हमें, क्योंकि ऐसा टाइम ही वेस्ट हो रहा है। तो चलो ट्यूटोरियल जंप करते हैं। तो चलिए हम यहाँ पे आफ्टर इफेक्ट्स में आ गए हैं। आप देख सकते हैं कि हमारा यहाँ आफ्टर इफेक्ट्स है और ये हमारा वीडियो है। तो हम कुछ इस तरह बनाने वाले हैं, जैसे आपने देखा वीडियो आप देख चुके हैं, तो यही मैं बनाने वाला हूँ। तो मैं क्या करने वाला हूँ, पहले तो हमारा वीडियो हमें चाहिए, तो ये हमारा वीडियो है, आप इसे यहाँ पे ड्रॉप कर दीजिए कॉम्पोजिशन आइकन पे। तो ये हमारी वीडियो है, तो हम पहले ट्रैक करेंगे अपने हाथों के मूवमेंट को। तो मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ जाऊँगा न्यू में बनाऊँगा एक लाइट, पॉइंट लाइट, मेक श्योर कर लें। तो ये हमारा ये है, अब आप यहाँ से उसको हाथ पे ले आएँ और कंट्रोल शिफ्ट डी करके इसे डिलीट कर दे रहा। यहाँ शुरू किया, इसमें आप पी दबाएंगे पोजीशन में, आप क्लॉक आगे क्लिक करेंगे, पी से पोजीशन उस पर क्लिक किया, आपका एनिमेशन चालू हो जाएगा पेज डाउन, या आप ये नेक्स्ट फ्रेम के लिए ऐसे कर सकते हैं। मैंने पहले यहाँ बना के रखा हुआ है और ये हमारा एमिटर 2 है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको मेक श्योर करना है कि आपकी जो दोनों लाइट हैं वो एमिटर होनी चाहिए। चलिए मैं इसको ऐसे ही मैं लाइट कर दे रहा हूँ ताकि आपको बाद में समझाऊँ कि इसका मतलब मैं इसको एमिटर क्यों कर रहा हूँ, तो इसमें लाइट ही कर दे रहा हूँ। चलिए हम हमारी दोनों लाइटें हैं और देख सकते हैं ये ट्रेजर ट्रैक हो गया, तो ये हमारी दो लाइटें बन गई हैं। अब हम यहाँ पे जाएंगे, ऊपर न्यू में जाएंगे, इसके बाद हमें एक सॉलिड लेयर बनाऊंगा मैं ब्लैक कलर की सॉलिड लेयर, और मैं यहाँ पे जाने वाला हूँ ट्रैप कोड पर्टिकुलर। तो हमें इसके लिए थर्ड पार्टी प्लगइन की जरूरत पड़ेगी जिसका नाम है ट्रैप कोड पर्टिकुलर, बिना इसके आप नहीं कर पाएंगे, आप कर भी सकते हैं बट मैं इसी से बताने वाला हूँ ट्रैप कोड पर्टिकुलर से कैसे करें। तो ये देख सकते हैं ये हमारे पार्टिकल्स हैं जो कि इमिट हो रहे हैं। तो अब मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ एमिटर में जाऊँगा मैं, इसको ओपन करूँगा और यहाँ एमिटर टाइप में इसको कर दूँगा मैं लाइट्स। तो ये कहेगा इन दिस मोड लाइट्स आई यूज एज पार्टिकल पार्टिकल इमिटर ओनली लाइट्स हुज नेम स्टार्ट विद एमिटर आई यूज। देखिए जो भी लाइट्स हमारी होंगी उसका जिसका नाम शुरू होगा एमिटर से, यानी आपका शुरुआत में कैपिटल ई होना चाहिए और MITTER एमिटर इस तरह होना चाहिए आपको करना पड़ेगा। क्रिएट अ लाइट विथ लेयर न्यू लाइट और उसका नाम एमिटर होना चाहिए। तो आप देख सकते हैं अब ऐसा कुछ हुआ है, कुछ इफेक्ट आया नहीं। तो हम जब इसको ये नीचे अपनी लाइट वाली लेयर को एंटर दबाएंगे और शिफ्ट ई यानी कैपिटल ई और एमिटर टाइप किया, अब आप देखेंगे ये देखिए बिल्कुल वहीं पर ही निकल रही है हमारी पार्टिकल वाली। तो ये हमारे यहाँ लेयर है, अब ऐसे भी हम एमिटर कर देंगे, एमिटर 2 भी कर सकते हैं आप, तो बात वही बराबर होगी कि बस नाम शुरू होना चाहिए एमिटर से। मेक श्योर कर ले कि शुरुआत में आपका कैपिटल ई है, कैपिटल ई MITTER एमिटर, तो ये आपको होना चाहिए। तो इस तरह आपका यह आपका हु इस तरह का मतलब इफेक्ट आ गया, देख सकते हैं काफ़ी कूल लग रहा है ये, मतलब ऐसे ही कूल लग रहा है ये। तो अब यहाँ पे आपने इतना कर लिया है, अब हम जाएंगे यहाँ पार्टिकुलर में मैं पार्टिकल थोड़ा सा बढ़ा दूँगा, मैंने पर सेकेंड ज़्यादा पार्टिकल निकलेंगे,
अब देख सकते हैं, वाओ ऑसम है। अब हम यहाँ नीचे जाएंगे, नीचे वेलोसिटी मोशन, तो इस तरह ये आपकी वेलोसिटी यानी मतलब डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो आप इसे चाहे तो कर भी सकते हैं, ना चाहे तो ना भी कर सकते, मतलब ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से शायद इतना ठीक है वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन, मैं हिसाब से 10 करते रहूँ, उससे ज़्यादा नहीं। आप करीब 40 भी कर सकते हैं, पर ये आपके ऊपर है, आपको यह सही लगे। अब हम जाएंगे यहाँ पार्टिकल में। अब यहाँ हम पार्टिकल में आप देख सकते हैं लाइफ साइकिल, इसे 2 सेकंड की मैं कर दूँगा और इसे 1.5 कर दूँगा, 2 ही होगा, चलिए कोई बात नहीं। अब यहाँ पे हमारा ये है, इसे मैं ग्लोस्फियर, यस ऑसम। और साइज़ ये ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ओपेसिटी रैंडम 60, 80 भी कर सकते हैं पर मैं 60 करूँगा। फिर उसके बाद आप ओपेसिटी ओवर लाइफ जाएंगे इसमें यहाँ पे। तो एक्चुअली क्या करता है, मतलब इस तरह अगर मैं ओपेसिटी कर दूँगा तो यहाँ पे ओपेसिटी बढ़ जाएगी, फिर कम हो जाएगी, बढ़ जाएगी, कम हो जाएगी, तो ऐसे ही कुछ है। तो इसे मैं रीसेट कर दूँगा और इसको मैं कुछ ऐसा करूँगा, बस ठीक है। तो अब हम यहाँ नीचे जाएंगे, नीचे मैं जाऊँगा फिजिक्स में एयर और विंड एक्स का वन कर दूँगा, थोड़ी सी विंड भी चलनी चाहिए मतलब। ओके ओवर टर्बुलेंस फील्ड कॉम्प्लेक्सिटी 10 कर दूंगा, बस। तो रेंडरिंग में यहाँ पे मोशन ब्लर्स पहले ऑन कर लूँगा मैं, इसे मैंने ऑन कर लिया, देखिए मोशन ब्लर्स यहाँ पे आ गए हैं। तो मैं बढ़ा दूंगा शटर एंगल, क्योंकि मुझे ज़्यादा मोशन ब्लर्स चाहिए, तो मैं यहाँ पे देखूँगा पहले। तो यहाँ मैं सोलो कर लूँगा लेयर को, आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो सोलो लेयर हो जाएगी आपकी। तो चलिए तो काफी हद तक ठीक है अभी ये, तो सोलो लेयर हटा दूंगा। अब देखिए अभी हमारा इस तरह का बन गया है, ऑसम है ना। बट अभी भी हमें इसमें काम करना है थोड़ा सा, मतलब आप देख सकते हैं ये हमारा है, ये अभी से कुछ ऐसे बना नहीं है। तो मेन काम अब होने वाला है कि इसे हम इसे टचअप देने वाले हैं, इसको लुक देने वाले हैं। तो आप यहाँ इफेक्ट पैनल में जाएंगे, टाइप करेंगे वेक्टर सीसी वेक्टर ब्लर। अब आप इसे ड्रैग करते हुए अपनी सॉलिड पर ड्रॉप कर देंगे। अब देख सकते हैं हमारे यहाँ पे, हमारा इफेक्ट कंट्रोल पैनल में ऑप्शंस आ गए हैं, टाइप नेचुरल, ओके अमाउंट हम बढ़ा देंगे। तो यहाँ पे मैं करूँगा इसे सोलो कर लूँगा ताकि मैं देख सकूँ कि एक्चुअल चल क्या रहा है। आप देख सकते हैं बढ़ाया तो कितना कूल लुकिंग इफेक्ट आया, अच्छा है। और 10 बढ़ा दिया मैंने पार्टिकल्स पर सेकेंड, तब थोड़ा मतलब डेंस इफेक्ट, तो इफेक्ट थोड़ा डेंस हो गया है। ओके अब मैं क्या करने वाला हूँ, हम जाएंगे वीडियो का वॉलेट के, एक इफेक्ट हमारा वीडियो का वॉलेट का जो कि फ्री आप डाउनलोड कर सकते हैं वीडियो का वॉलेट की वेबसाइट से। तो इसका नाम है वीसी कलर वाइब्रेंस, वीडियो का वॉलेट कलर वाइब्रेंस। तो इसे ट्रैक करते हुए मैं अपनी स्लेयर पे ड्रॉप कर दूँगा, तो देख सकते हैं इसका सौ कलर मिल गया इसका। तो आप इसे रेड कलर कर दूँगा, रेड कलर आप अपने हिसाब से कोई कलर दे सकते हैं, जैसे आप अगर आपको कुछ और इफेक्ट देना है तो आप चेंज भी कर सकते हो, तो ये आपके ऊपर है। भाई इसको यहीं पे छोड़ दे रहा, इसको सेव कर लेता हूँ, नहीं तभी कुछ भी हो सकता है। तो अब मैं इसे छोड़ देता हूँ यहाँ पे, अब मुझे कुछ खास नहीं करना, बस एक चीज़ मुझे करनी है, जैसे कि ये यहाँ पे रेड है तो मैं क्या करने वाला हूँ कि फिल बैकग्राउंड, यस ये हमारा बैकग्राउंड है। तो ये हमारा ये है टॉगल स्विच मोड पे, यहाँ मोड में ऐड कर दूंगा, तो
इट विल लाइक, तो इस तरह का ही इफेक्ट हो जाएगा। तो इसे थोड़ा, क्योंकि बहुत शार्प लग रहा है तो इसलिए इतना अच्छा नहीं लग रहा, तो हम इसको जाएंगे ब्लर। आप इसे फास्ट ब्लर लगा सकते हैं, मैं बॉक्स ब्लर लगाऊंगा, बॉक्स ब्लर यो टू, ये आप सही है। तो अब वो ये है ऑसम, इसे मैं ऐड कर दे रहा, यस ब्लेंडिंग मोड मैंने ऐड कर दिया। देखिए कितना ऑसम है इफेक्ट हमारा आया है, मतलब मज़ेदार है। तो अब मैं वीडियो को भी थोड़ा मतलब डल कर दूंगा, क्योंकि असल में वीडियो बहुत ही ब्राइट है इफेक्ट के हिसाब से, तो मैं इसे वीडियो भी डल कर दिया, मैंने डल कर दिया, प्लस एक थोड़ा सा टिंट डाल दिया कलर करेक्शन के लिए, इसलिए थोड़ा सिनेमैटिक लुक आए। और शार्प कर दूंगा मैं इसे, अनशार्प मार्क्स, एंड अब ये वो भी हो गया। अब मैं इसमें थोड़ा ओपेसिटी थोड़ा कम कर दे रहा हूँ, 80 कर दे रहा हूँ, या अब काफ़ी सही है। अब इसे ऊपर में इस तरह के बार्स बना दूंगा और ये हमारा वीडियो तैयार है। तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारी वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा, नीचे एक थम्स अप का बटन है उसे दबाइए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आप नए नए वीडियो से अपडेट रहेंगे, यानी जैसे नया वीडियो आएगा आपके पास वो आ जाएगी कि मेरा नया वीडियो आ गया है, और आप उसे तुरंत देख पाएंगे। और हाँ, ये हमारी पूरी सीरीज़ है सुपर पावर वीएफएक्स की, तो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है जिसमें मैंने अलग अलग सुपर पावर के वीएफएक्स ट्यूटोरियल बनाए हैं। तो अगर आपको कोई सुपर पावर का आफ्टर इफेक्ट्स का ट्यूटोरियल चाहिए तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं कि आपको कौन सी सुपर पावर का आफ्टर इफेक्ट्स का ट्यूटोरियल चाहिए। तो आप अपनी फेवरेट सुपर हीरो का नाम डालिए, उसकी सुपर पावर डालिए, मैं कोशिश करूँगा कि मैं आपका वीडियो बना पाऊँ। तो आप कमेंट कीजिए, ज़रूर से ज़रूर करिए, तो सब्सक्राइब करिए, वो रेड वाला सब्सक्राइब बटन दबाइए अगर आप चैनल पर नए हैं। आप देख सकते हैं मेरे चैनल का लोगो भी आ रहा है, उसे क्लिक कर दीजिए, सब्सक्राइब हो जाएगा।